सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 127 केंद्रों पर 44,028 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन कराया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 35,319 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,709 लोग शामिल रहे, जिसमें CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार तक जनपद में 22 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया गया। CMO ने लोगों से अपील किया कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं तथा मास्क जरूर लगाएं। CMO ने कहा कि वायरल बुखार की वजह से पानी को उबालकर पिए और स्वस्थ रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, वैक्सीनेशन चल रहा है। इधर हम 50,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन पार्टी कर पा रहे हैं। आज भी हमने 50,000 का लक्ष्य रखा हुआ है। अभी तक हमने 22 लाख से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं और हमें 36 लाख लोगों को इस संपर्क में वैक्सीनेट करना है, तो हम 18 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सर जनता से कहते हैं वैक्सीनेशन बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। लोग पोर्टल पर अपने को रजिस्टर करा के भी आते हैं और स्मार्ट रजिस्ट्रेशन भी होता है। जनता से क्या प्रश्न? जनपद से हमारी अपील है कि कोरोना वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोरोना को से बीमारी को दूर करने का, तो सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन कराएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें, भीड़ भाड़ में ना आए। जब भी हमारे सेंटर पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो अवॉइड करें, दूसरे दिन प्रयास करें। वैक्सीनेशन हमें सबको करना है और मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल नहीं लगें। आजकल मौसमी बुखार की संभावना है, मास्क लगाएंगे तो ये भी कॉमन कोल्ड भी कॉमन वायरस भी उससे छन जाता है, जिससे कि आपको बचाव हो सकता है। दूषित पानी का इस्तेमाल ना करें, पानी को उबाल करके पिए। क्लोरीन की गोलियाँ हमारे CSC PSC जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अपने CSC PSC पर जाएँ और क्लोरीन की गोली लें और क्लोरीन गोली डाल करके उससे बाहर पानी पिए। जरा सा भी कोई तकलीफ होती है, बुखार आता है या पेट में दर्द होता है, तो आप हमारी PSC CSC पर जा करके डॉक्टर की सलाह के बाद ही इलाज कराएँ।